मौजूदा सरकार की नीति है कि युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित किया जाए और लगता है कि सरकार का ये कदम अब धीरे धीरे सफल हो रहा है। गांदरबल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर पूरे जम्मू कश्मीर का नाम देश में रोशन किया है। गांदरबल के 13 खिलाड़ियों ने नेशनल स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और अच्छी बात यह है कि 13 के 13 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 23वीं नेशनल स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप जम्मू में कराई गई, जिसमें 22 स्टेटों के कुल 1250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 108 जम्मू कश्मीर के थे। खिलाड़ियों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनसे दरख्वास्त भी की है कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना जरूरी है। जीते हुए खिलाड़ियों ने डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इन खिलाड़ियों के कोच सलीम पठान ने गर्व महसूस किया, क्योंकि उनके द्वारा ट्रेन किए गए सभी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हूँ, लाल गांदरबल। जे के से बहुत से प्लेयर्स थे और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से हम 12 प्लेयर्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम सब का मेडल रहा। और पहले हम डिस्ट्रिक्ट हमने खेला, उसमें मेरा गोल्ड था। उसके बाद हमने स्टेट खेला, उसमें भी गोल्ड था। नेशनल चैम्पियनशिप खेली, उसमें मेरा ब्रॉन्ज था। इंशाल्लाह आगे मेहनत रहेगी और उससे उसके बाद ही मेरा गोल्ड होगा इंशाल्लाह उसके बाद। और मैं पहले अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद हमारे कोच मिस्टर सलीम पठान सर, मिस्टर शकील लारवी एंड मिस्टर मोहसिन पठान सर, उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने स्कूल जिन्होंने हमें जगह दी, न्यू ड्रीम लैंड जिन्होंने हमें जगह दी, मिस्टर बशीर सर उनका भी मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमें जगह दी। चीज मेरी यही रहेगी, इससे इंसान ड्रग से दूर रहता है और ये लड़कियों के लिए एक सेल्फ डिफेंस है। इसमें आए, गेम में, स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स हो इसमें आए और ज्वाइन करे, क्योंकि ये इससे ड्रग से दूर रहता है इंसान और लड़कियों के लिए खासकर ये सेल्फ डिफेंस है। नाम अक्सर शौकत और मैं निर्मल गांधी से हूँ। मैंने जो है इस साल मतलब 23rd स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप हुई जो कि हमारी भगवती नगर जम्मू में हुई थी। सो वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हासिल किया है। सो मेरी जो फाइट थी, गोल्ड फाइट थी, वो दिल्ली वाली के साथ थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैंने गोल्ड हासिल किया। मेरा पहला नेशनल था, पहला एक्सपीरियंस था मेरा। सो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड था, स्टेट में गोल्ड एंड देन अब नेशनल में भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हासिल किया है मैंने। सो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपना जो ये मेडल का क्रेडिट है वो मैं अपने कोच, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कोच सलीम सर, शकील सर एंड मोहसिन सर को देना चाहती हूँ। एंड देन मैं अपना गोल्ड का क्रेडिट वो अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरी कोच ही है जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है। देखिए मतलब मेरी मैसेज उनके लिए यही है कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी है वो पार्टिसिपेशन है। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फिर हार जीत ये सब लगी रहती है और अब आगे भी बहुत सारे मौके हैं। सो मेरी उनसे यही मैसेज है कि वो डिप्रेस ना हो, टेंशन ना ले, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम शाह है, मोबाइल गांदरबल से ताल्लुक रखता हूँ जी। गांदरबल से हम तो 13 बच्चे गए थे, जिसमें से हमने 7 गोल्ड लाए थे, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज लाए थे सर। तो जो नेशनल चैम्पियनशिप जम्मू में हुई थी भगवती नगर में, जो 29 दिसंबर से शुरू हुई थी 2 जनवरी तक, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले भी हमने नेशनल खेले थे, जो इससे पहले दिल्ली में, गोवा में हुआ था। उस टाइम भी हमारे यहाँ से गांदरबल से बहुत सारे प्लेयर गए थे, उन्होंने उस टाइम भी गोल्ड लाए थे। मेरी यूथ से यही है कि और पेरेंट्स से भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो, क्योंकि डिप्रेशन में बाहर निकल सकते हो और जो स्पोर्ट्स है इसमें इंसान फिजिकली और मेंटली फिट रहता है।